नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की बात की जाए तो 50 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। 90 पॉइंट डाउन है, 1.77% की गिरावट देखने को मिले यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के अंदर। टोटली यहाँ पे स्टॉक जैसे ओपन हुआ है आज स्टॉक के अंदर गिरावट नजर आ चुकी है, गैप डाउन से ओपन हुआ है। 50 लेवल पे रिसेंटली देख से देखिए गिरावट तो हो चुकी है पर फिर से बाउंस बैक हो चुका है और 50 लेवल के ऊपर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। 50 के ऊपर सेटल होता है तो बाउंस बैक हो सकता है और 50 के नीचे सेटल होता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है और भी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की कोई खास अपडेट भी सामने नहीं है पर मार्केट कैप देखी जाए तो 55,000 करोड़ की है, पी रेशियो 30 का है और डिविडेंड यील्ड 1.28%। लास्ट फ्राइडे की भी बात की जाए स्टॉक के अंदर तो पिछले 5 दिनों में 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन वॉल्यूम की बात की जाए तो टोटली यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम देख सकते हैं कि 1,74,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टोटली पंजाब नेशनल बैंक में। आज के दिन ट्रेडेड वैल्यू 8,700,00,000 के ऊपर चली गई है और यहाँ पे देखा जाए डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर नजर डाली जाए तो 1,38,00,000 में से 48,00,000 क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के यहाँ पे आप देखा जाए तो 35% से ज्यादा। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ पे देखा जाए तो आज गैप डाउन से ओपन हुआ है स्टॉक और यहाँ पे रिसेंटली 50 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 50 के नीचे गया था पर ज्यादा समय सेटल नहीं हो पाया पर ऊपर यहाँ पे आप देख सकते 50 के ऊपर सेटल होता है तो बाउंस बैक हो सकता है स्टॉक फिर से एक बार।